तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। एक नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ, और आज की जो शुरुआत है ना, बड़ी हंसी वाली और बहुत कॉमेडी वाली है, क्योंकि हमारे घर पे एक नई मेड आई है जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती है, और उसके साथ सिर्फ बंगाली में बात करो तो सही रहता है। प्रीति कहती है मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो प्रीति को ना मैंने एक मस्त आइडिया दिया। मैंने कहा गूगल में जा, उस पर लिख हिंदी टू बंगाली और उस पर टाइप कर, और उसके बाद उसका वॉइस नोट जो वॉइस ऑन करके मेड को सुना, और होकर वो सारे काम ऐसे करा रही है और बड़ी खुश हो रही है। वो देखो प्रीति ये करती जा रही है, करती जा रही है। क्या कर रही है भाई, आवाज़ नहीं आ रही? ये आवाज़ सुना रही है। हाँ, कैसी लग रही है आवाज़? अरे इसको कैसे सुनाऊँ? हाँ तो तू देखना कैसे सुनाएगी। ये देखो यहाँ टाइप कर रही है टेबल पर, अंदर टेबल पर पढ़े हैं भाई क्या बात है। ভিতরে টেবিলে কাপ আছে আমাকে উঠে ধুতে হবে। समझ आ गया? ठीक है, बंगाली समझा रही है प्रीति। आज कैसे काम करवा रही है, मतलब वो टाइप करती है फिर बताती है फिर काम होता है। प्रीति का एक्सपीरियंस लेते हैं। हाँ भाई, कैसा एक्सपीरियंस है, मजा आ रहा है फिर? बहुत ही घटिया है। घटिया क्यों? ठीक है, बट मेरा टाइम लग रहा है, बट ठीक है, अम्मा अच्छी है। पता, जब मैं कोरिया गया था ना, तब मेरे को भी बड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि साउथ कोरिया में इंग्लिश नहीं चलती थी, बहुत कम। तो वहाँ पे मैं भी यही चीज करता था, तो मेरे को ये सुबह सुबह परेशान हो रही है, तो मैंने इसको ये आइडिया दिया। पता है, मैं आपको बताती हूँ, अम्मा बंगाली है, उसको कोई काम नहीं दे रहा था ड्यू टू लैंग्वेज। ठीक है, तो बढ़िया तरीका हमने दे दिया, पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम और थोड़ा गूगल बाबा बहुत सही है भैया। क्या कहती है? उनको भी काम मिल गया यार, गूगल बाबा से सबको काम मिल रहा है। देखो टेबल नहीं, ये टेबल नहीं है, अंदर टेबल है। कब पड़ा है? कब मैंने अभी बताया था ना आपको फोन पर, दोबारा समझा दे। सही है तेरे लिए, वैसे तू भी सारा दिन लगी रहेगी काम वाम में, हाँ दोबारा समझाएगी। हाँ प्रीति के साथ मस्त सीन हो रहा है, दोबारा सुनोगे? हाँ भाई, आ गई। फेल हो गया पेपर, सही हुआ है? हाँ भाई, हेलो। फोन बंद, पहले फोन बंद, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, खड़ी हो, खड़ी जल्दी हो, फटाफट जल्दी आओ, जल्दी तो आओ, बढ़ती है, जल्दी 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 आ, जल्दी आ, इधर आ, इधर आ। हाँ हेलो प्रीति, क्या हो रहा है? सीन देखा है प्रीति का, क्या हो रहा है? मेड से बात, मेड से बात कर रही है, सुबह से पत्ता मार रही थी। वैसे तेरे को गूंगा होने का अच्छा तरीका है ना, मजा आ रहा है? मैंने आंटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आंटी ने मेरी बात समझ ली। मैंने तो इसको बोला ऐसे कर दे, वो दूरदर्शन में वो आती थी ना, हमारे जमाने में न्यूज आती थी, गूंगे बैरो वाली, वो कर ले। हेलो, अरे जान, आई इरिटेट हो रही हूं मैं, रोटी बनाऊंगी। हां हां, पकोड़े, मजा आ गया। तो डायल कर दिया भाई हमने प्रिया का नंबर, और प्रिया से बात करते हैं, प्रिया को भी बताते हैं, उसका रिएक्शन सुनना क्या होगा, मजा आएगा बड़ा। अगर फोन उठाए तो, पहले तो ये फोन भी नहीं उठाती ना, ये भी तो राष्ट्रपति है। ठीक है, और चाहिए हो तो मेरे से मांग लेना, ठीक है? हाँ प्रिया। हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल। ओ सत श्री अकाल, फोन क्यों नहीं उठाती तू? मैं रोटी बना रही थी। अरे रोटी छोड़, कॉमेडी सुन। बताओ। बड़ी मजेदार कॉमेडी, जिंदगी तेरी फन हो जाएगी, लाइफ। क्या हो गया ऐसा? प्रीति ने नई मेड रखी है। अच्छा? और उसको बोलना नहीं आता। गूंगी है? नहीं, गूंगी नहीं है, बंगाली है, उसको बंगाली आती है सिर्फ। अब ये भाई, ये चुप बैठी है, मेरे से सुबह परेशान हो रही है, इशारे कर रही है। फिर मैंने इसको तरीका बताया, मैं कहा मैं कोरिया गया था, वहां मेरे को इंग्लिश बोलनी आती थी, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, और फिर मैं गूगल में ट्रांसलेट करता था और गूगल को ऑन करता था, सुनाता था। अब सुबह से लगी है, अरे नहीं लिख रही है, हिंदी में लिखती है, गूगल में लिखती है, तुम यहाँ से झाड़ू लगाओ और यहाँ से बर्तन उठाओ, और फिर उसको स्पीकर ऑन करती है, वो बंगाली बोलता है, ये सुनाती है। अरे क्या सही सीन हो रहा है, सुबह से मस्त वीडियो बन रही है। कहाँ गई भाई? हेलो, पहले बता, बात कर ले प्रिया। अब जिसके पास जो होगा उसी से गुजारा करेगा ना, मेरी बात सुन। आंटी के पास कोई क्या है, आंटी के पास कोई काम नहीं था, उनको कोई उसकी लैंग्वेज की वजह से रख नहीं रहा, तो मैंने काम ही तो दिया। तो आप ऐसे कब तक चलोगे?
कोई बात नहीं, समझती है, उसको हिंदी भी आ रही है, पर कुछ बड़ा वर्ड होता है ना तो मैं लिख कर दे देती हूँ। काम अच्छा कर रही है तो मेरे को कॉम्प्रोमाइज। पहले की दौर सब निकल गई, कोई टिकता नहीं है ना। वही है। वो शुगर टेस्ट कराने गई थी ना, जुबान टेस्ट कराती नहीं है तो जुबान की वजह से कोई नहीं टिकता। चल ठीक है, ओके। दोपहर को हो गया था रोटी का टाइम, प्रीति ने बनाई मस्त कड़ी, कड़ी के साथ रोटी खा के फिर जाऊंगा मैं दिल्ली। मैंने कहा यार आज फिर दोपहर को नहीं तो रेस्टोरेंट में रोटी खानी पड़ेगी, आज घर पे ही खा के जाओ। खाना खा लिया है, बस अब मैं निकल रहा हूँ दिल्ली की तरफ। दिल्ली में अपना कुछ काम है, साउथ एक्स में काम करेंगे। तो लो जी हम निकल चुके हैं घर से और टाइम हो रहा है 1:45। पहले सीधा जा रहे हैं साउथ एक्स में काम करेंगे, उसके बाद जाएंगे करोल बाग में काम करेंगे, उसके बाद जाएंगे रकाबगंज साहब, बाबा जी को मत्था टेकेंगे, उसके बाद वापस घर आएंगे। तब तक कीरत भी आ जाएगा और हम शाम को फिर फन मारेंगे, यही कह सकते हैं, और तो कुछ है नहीं भैया ज़िंदगी में। अभी तो सिर्फ ज़िंदगी में फ़न है, तो फ़न करते रहना चाहिए। हम पहुंच चुके हैं, तो टाइम हो गया है 16:50 और अब हम निकले हैं SDM मार्केट से और पहुंच गए हैं PMO के बाहर। काम से फ्री हो गए और टाइम हो गए 6 और भाई साहब मस्त जाम लगा हुआ है हाईवे के ऊपर, मस्त जाम है घर जाने के लिए। पता नहीं क्यों लगा, ये तो हमें भी नहीं पता, बट जाम लगा हुआ है। लगता है कि 1.5 घंटा और लगेगा अभी घर पहुंचने में, और अभी चाय की नीड ना इतनी ज्यादा हो रही है, नींद आ रही है और अब चाहिए चाय, और हाईवे में कहीं उम्मीद भी नहीं है कि चाय मिलेगी, बस यही है कि जल्दी से घर पहुंचे और चाय पिए। घर पहुंच चुके हैं और मौसम बहुत ही बेहतरीन हो रहा है, सुबह खराब था अब अच्छा हो रहा है। हाँ भाई क्या बन रहा है? तुम्हें मसाले के साथ ब्रेड दे दूँ? हाँ दे दे, बड़ी तेज भूख लगी थी, मैं कहने लगा था वो मामा जी का सामान है तो जल्दी से दे दे, भूख लगी है यार। मैं तो कहने ही लगा था बटर टोस्ट बना दे, पर अब मसाला मिल गया और ब्रेड मिल गई तो मजा ही आ जाता है जल्दी जल्दी। और ये जेठालाल सोने के मूड पे है, सो रहा है, उठ गया, सो रही है। और जेठालाल का भाई ये छुपा है। देखा बेटे मैंने, देख लिया था, बता कैसे देखा था, वो शीशे में देखा था मैंने, तू छुपा नजर आ गया था। जेठालाल का भाई ये देखिए छुपा गया। चला ये अपने लिए आ गया मसाला और ब्रेड और साथ में आ गई चाय। ये खाने के बाद ना जरा प्रीति का भी इंटरव्यू लेंगे और कुछ बातें पूछेंगे, कुछ खास बातें। हमारा टाइम हो रहा है फुटबॉल खेलने का, ओ कहाँ गई, इलेक्ट्रॉनिक फुटबॉल, एयर फुटबॉल कहते हैं इसको। हाँ। हाँ, गोल हो गया। तो अभी हम चलते हैं और प्रीति से पूछते हैं कि आज का उसका डे का एक्सपीरियंस कैसा रहा। प्रीति बेचारी सिर पकड़ के बैठी, क्या हो गया भाई, क्यों सिर पकड़ के बैठ गई, क्या मेड ने वो दिक्कत कर दी? नहीं, फिर क्या हो गया? मेड ने दिक्कत कर दी, उसको डांटिए, तुम काम करोगे? नहीं हुआ क्या ये बता, कुछ नहीं हुआ। अच्छा आज का दिन कैसा रहा? जैसा रोज का रहता है। नहीं आज तू कुछ स्पेशल बोल रही थी, पब्लिक जानना चाहती है। तुमने पहली बार देखा था मैं ऐसी बोलती हूं? सला आईडिया सुबह मैं दे रहा हूं, तू ऐसी बोलती है। तब तो मैं प्रीति को मुझे लग रहा है कि ये पंजाबी हिंदी इंग्लिश छोड़ के अभी बंगाली सीखेगी। कोई बात नहीं, सीखूंगी। का हामा तामा का चौक क्या बोलते हैं बताइयो। हाँ? हेलो क्या बोलते हैं? कफ है क्या? बता पहले। नहीं मैं नहीं बता रही, ठीक है यार एक्सपीरियंस था जो भी था, काम अच्छा करा आंटी ने। कह रही है कि बहुत बढ़िया रहा, ना वो ज्यादा बोले ना ये ज्यादा सुने, ना वो सुने ना ये सुने, मतलब कुछ भी, मतलब कहती चुपचाप हो गया काम, नहीं तो पूरा दिन शोर मचाती रहती थी। ये भी आधी मेड भी भाग जाती थी चक्कर में। आधी मेड? हाँ कुछ भी बोलते रहते हो यार। सर कौन थी वो सीमा के पास, सब भाग ही रहे थे। कौन भाग रहे थे? कोई नहीं भाग रहा, जैसी चाहिए थी वैसी आ गई थी। अब आ गई है? अभी क्या पता, अभी कितने दिन चल जाएगी आंटी ने कभी बेटी जैसी हो गई। अच्छा वाह क्या बात है, वेरी गुड। ये भाई साहब को देखो ये लगे हुए हैं अपनी खेलने में। हाँ तो तुम काम करोगे? हाँ मैं कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत हुई ना, शर्म नहीं है, मैं काम में कोई शर्म नहीं करता, सब काम कर। एक बर्तन तो उठा के रखा नहीं जाता। अभी तू रख रही है ना, अभी तू रख रही है,
मैं कोई काम में शर्म नहीं करता, मैं बर्तन भी धो लेता हूँ, मैं किचन भी साफ कर लेता हूँ, मैं तंदूर पे रोटी भी लगा लेता हूँ, मैं सब काम कर लेता हूँ। नहीं पैर में दर्द है, मैं तेरे को एक्सरे करा देता हूँ, फिर तू एक्टिंग कर रही है, पैर में दर्द होता है। 20-25 दिन हो गए, कौन सा फ्रैक्चर होता तो आप समझ सकते हो, कुछ है ही नहीं है, टेंशन है, दर्द तो चलती रहेगी, हील पहनेगी तो दर्द तो होगी ना, और क्या। और हम आ चुके हैं नाइट मोड पे, और अब हो रहा है रोटी खाने का टाइम। यार रोटी बोल, तेरे को भूख लग गई? ये सारा दिन और सारा दिन और सिर्फ सारा दिन यही खेलता है। और कुछ काम है भाई साहब आपको? क्या काम है? स्कूल में कुछ पढ़ाई की थी क्या? क्या किया था बताओ? क्या करूँगा? क्या हमें क्या पता क्या करूँगा? स्कूल तू जाता बता। मैं क्यों बताऊँ? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ा। और प्रमूर अभी भी मस्त सो रही है, शाम से जब से आया तब से सोई रही है। और प्रीति ने बनाया मस्त सा मटन, अब खाएंगे मटन के साथ रोटी। आहा प्यारा बना है, खुशबू से पता लग रहा है। तो अभी प्रीति आ रही है, रोटी देती है, और अपन ईयरफोन ले आए और बैठ के मस्त कुछ ना कुछ अभी रील वील देखेंगे। और हमने नई रीलें डाली हैं, अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी जाओ, हमारा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आ रहा है, फटाफट जाके देख लो। रोटी खाने के बाद भाई साहब का हो रहा है बैग पैक। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? और ये कह रहा है कि पापा सुबह वैन पे नहीं जाना, या तो चंदन भैया छोड़ेंगे या आप छोड़ोगे। मुझे भी जल्दी उठना है, आपने तो कहा है मुझे जब तू उठेगा तब उठा दियो मुझे, तो इसको सुबह मैं ही छोड़ूंगा अगर मूड किया तो। मेरे मूड के ऊपर है भैया, कंफर्म नहीं है, नहीं किया तो ठीक है। और ये स्कूल में सिलाई लेके जाता है कभी, पटके पर ठीक किया भी है? यूज करता है। ओके प्रीति, मैं जा रहा हूँ चंदन के साथ लड्डू लेने के लिए, ठीक है? गुम्मी नहीं, तू सो जा गुम्मी, चल आ जा फिर, चल रहा है, चल। कीरत भी जा रहा है मेरे साथ, मैं कीरत और चंदन जा रहे हैं। एक्चुअली मेरा ना बड़ा मन कर गया, ये रही चप्पल बाहर, मेरा बड़ा मन कर गया गुआना वाले के लड्डू खाने के लिए, तो अब जा रहा हूँ गुआना के लड्डू खाने। हो सकता है मिल जाए और हो सकता है बंद हो जाए, कुछ पता नहीं है। टाइम हो चुका है 10:15, जल्दी आ जा भाई। ओ भाई जल्दी आ जा, लड्डू बंद हो जाएंगे, भूख मेरा बड़ा मन कर रहा है। चंदन भाई साहब को पहले बोल दिया था गाड़ी तैयार कर लो, हम चले, जल्दी आ जा भाई, चल चल चल। ओ चल भैया चल, चल चंदन, इतनी देर यहीं बैठ जा किरत यार, पीछे निकलेगा। तो सुबह सुबह मुझे चंदन को डैडी को राइट टाइम 8:30 घर से निकल जाना है, हमने कहीं काम जाना है। और ये भाई साहब को हमने बोला, ये जो पीछे छोटे भाई साहब है, कि हमें सुबह सुबह जल्दी उठा दियो, जब तू तो स्कूल जाएगा ना तो हमें भी उठा दियो, ताकि हम तैयार हो जाएंगे। चंदन कल सुबह मुझे राइट टाइम 8 बजे चाय पिला दियो, ठीक है? आपको मुझे स्कूल भी छोड़ने जाना है। मैं नहीं जा रहा, फिर मेरे को तैयार होना है, तेरे को स्कूल छोड़ने जाना है, तू जाएगा मैडम के साथ। मैडम क्या हो जो तेरा नीरज बहन वाले के साथ, यस चलो 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 चलो। सेक्टर तो पहुंच गए पर गुआना बंद हो चुका है, बंद हो चुका है ना। अरे चंदन तू मुझे बहुत देर से लाया, मेरा पूरा स्वाद खराब करती है। नहीं भाई मुझे गुआना के लड्डू खाने हैं, उसके तो सोनू भैया लाए थे, बड़े बकवास लड्डू है। चल वापस कल ले लेंगे फिर, उसके बाद मिलेगा बेसन का लड्डू, उसका बहुत बेकार होता है, इसका अच्छा होता है। जल्दी चल तू इधर, अब फिर ऐसा कर कुछ नहीं मिला तो ये कीरत के लिए वाटर मेलन ले ले। पता क्या होता है वाटर मेलन देखो क्या? तो ये रहा हमारा गुआना जलेबी जो बंद पड़ा हुआ है, अब हम क्या करें। चल भाई कहाँ से लेगा वाटर मेलन, ले भाई वाटर मेलन जल्दी ले। पैसे भी देने पड़ेंगे? बिना पैसे का क्या आता है? उसको बोलो चंदन भैया आए हैं, फ्री में देगा, तेरे नाम पे तो फ्री में देगा। तरबूज बहुत बड़े हैं तो फिर बड़ा नहीं लेते? मुझे नहीं पता भाई, तुझे पता है लेना ले, भाभी से खाली तू खाएगा, मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं तरबूज बड़ा लेते हैं छोटा लेते हैं, अब ये तू देखेगा। तो भैया देख ले आया, धोनी से पूछ ले, नहीं तो धोनी के पास होगा, इसके आगे भी तो एक दुकान है। पैसे ले जा, पैसे
मिल गया छोटा मिला बड़ा छोटा मिला तो फिर एक दुकान घूमता है कह रहा नहीं मिल रहा दूसरी दुकान में मिल गया फिर महंगा मिलता ना महंगा सस्ता क्या होता है जब खाना तो खाना ही है महंगा सस्ता क्या करेगा उसमें अच्छा चलो लड्डू मिला नहीं मुझे जिसके लिए आया था वो मिला ही नहीं चल भैया क्या और कहीं नहीं मिलता लड्डू नहीं ये सब दुकान में क्या है ये सब दुकान बेकार है चलो भैया चलो दुकान है आपका टेस्ट खराब मेरा टेस्ट सही है तेरा टेस्ट खराब है तुझे कोरोना हुआ हुआ है कोरोना जा चुका है अभी नया चीज आ रही है एक नई बीमारी आ गई तुझे पता है मैं चाइना को बैन कर दूंगा चाइना को बैन कर देगा क्यों अब नई बीमारी आई है उसका नाम है डरोना अबे हर दो मिनट में नई बीमारी निकाल लेते चाइना चाइना ना भाई मेड इन चाइना चाइना की हर एक चीज बेकार है ना हर चीज चाइना ही बेकार है चंदन भाभी का वो बंगाली वाला सीन देखा था कैसे सुना रही थी बंगाली बोल के बता रही थी उसको तो सुना रही थी सही चीज है ना जबरदस्त है गूगल में इतना कुछ भी होता है पता ही नहीं था पहले तू हिंदी में बोल इंग्लिश सुनाएगा सामने वाले को सही है मैं मेरे साथ हुआ था ना तब मुझे पता है 2000 जब मैं कब गया था साउथ कोरिया 2020 में गया था ना घूमने 2020 में गया था कि कोरोना से पहले गए थे कोरोना से पहले तो फिर 19 में गया हूँ 19 में गया था तब मेरे साथ वहाँ से आए थे जैसे तब कोरोना स्टार्ट हुआ था 19 में गया था मुझे पता चला अभी फंस जाते साल भर के लिए भाई उधर क्या तरबूज तो उठा नहीं सकता खाएगा तू है चल अंदर चल के अब सो जा खाने में क्या जा रहा है क्या कह रहा है तू गलत नियत से ले गया मुझे लड्डू मिला ही नहीं चल बे बैठ जा नीचे हाँ भाई तरबूज ले आया वो अब क्या इसमें कहना बता तो चंदन ने खरीदा मुझे मत बोल भाई मेरी गलती नहीं है कुछ कह रही तरबूज कटा के लेके आओ धोनी से क्रिकेटर वाला धोनी नहीं ये सब्जी वाला धोनी काट तो देख लो नहीं तो वापस देके जाएगा क्या अभी दुकान बंद हो गया तो कल बोल सकता है ना उसको अब तेरा बड़ा सुन लेगा वो हमेशा चेक करके लाना चाहिए था क्या वो थोड़ी ना काट को देता है चेक करके सिर्फ और चेक करके सिर्फ बुद्धा जयंती रोड पे मिलता है यहाँ नहीं मिलता तरबूज नहीं देता तो फिर मत लेते ना तो तरबूज भी चेक करके कटा के लेना है समझा चंदन तू हर तो कल आप चेक तो कर लो चेक करो कहा दूध गिरा दिया फिर कहा गिराया क्या गिराया दूध गिरा दिया कह रहा है ये देख अरे हाँ, भाई हाँ कुछ ना कुछ करती रहती है ये तरबूज का गुस्सा दूध को चंदन कह रहा है आगे से मेरे से भैया भाभी को बोल दूंगा मेरे से इंग्लिश में बात करे तूने बोला नहीं कह रहा कि मैं भाभी को बोल भाभी नहीं कह रहा मैं भाभी से इंग्लिश में बात करूंगा भाभी नहीं कह रहा मैं हिंदी में बोलूंगा भाभी को गूगल में सुनाऊंगा जा दिमाग लगा रहा कह रहे तो बहुत बढ़िया चीज है कह रहा मैं इंग्लिश में बात करूंगा कर लिया अनाज छीला मैंने अपने लिए खाए दिखाओ मैं खा के देखूं खा के दिखा पे दिखा अरे बहुत बढ़िया मैंने मेहनत करी है तो जिंदगी में पहली बार मेहनत कर ली तो क्या हो गया चंदन ही छीलता है ना हमेशा तो एक दो बार छील दिया उसने बाकी तो आज तो मैंने छीला है पहली बार छीला है मुझे तो कभी अनाज की फोटो तुम ये मेरी टी-शर्ट क्या पहन के घूमते हो कमेंट प्लीज बहुत स्वाद है भाई ये चाकू है क्या है मटर थोड़ा करना मटर ही तो कर रहा हूँ तरबूज कट रहा है भाई तरबूज देख रहे कैसे आया प्याज कहाँ से आ गया तरबूज के अंदर से कोई चक्कू तो ढंग का लेता तो क्या हुआ हम बहुत शोर मचाते रहते हैं इसके बीच में से कर बाहर आ जाएगा देखो कितना अच्छा है कितना मीठा लेके आया गाली उसको लग तू दे रही है हाँ मीठा है वो भाई फोटो
उसको इतनी गाली देती है उसके बाद तो किसको गाली देती है चंदन को मैंने कहा चेक करके लाया करो फ्रिज में रख दो सुबह कटेगा सुबह कटेगा सब पे बटेगा अच्छी बात है ना खराब नहीं निकला देते बिना आराम कर देता रात भर चंदन गया था डिस्काउंट मिला 3 रुपए निशान पड़ जाएंगे फर्श में नहीं पड़ता अजाब हो जाता है नहीं यार पड़ते हैं मुझे शक्ल दिख रही थी और बाबा से लेटर बाबा।